हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में जो बता चुका हूँ, मैं जूलॉजी के भी सिलेबस को, बॉटनी के सिलेबस को, उसके बाद मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताया। अब आज हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। हमारा सिलेबस, मैंने सिलेबस में भी पहले बताया, सबसे पहले एनिमल किंगडम की स्टार्ट अगर हम करेंगे तो कहाँ से करेंगे? नॉन कॉर्डेटा से करेंगे। नॉन कॉर्डेटा जो होता है आपका, नॉन कॉर्डेटा का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें नोटोकार्ड नहीं प्रेजेंट होता है, उसे हम नॉन कॉर्डेटा बोलते हैं। इसको हम इनवर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। इनवर्टिब्रेट का मतलब ये होता है कि इसमें वर्टिब्रल कॉलम ना प्रेजेंट हो, उसको इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। इसका जो आपका पहला फाइलम आता है, इसमें तो ऐसे आपके लगभग 34 फाइलम्स हैं, बहुत बड़ा ग्रुप भी है। लगभग 95% आपका जो एनिमल किंगडम है पूरा, उसका अकेले नॉन कॉर्डेटा ही 95% पार्ट है। लेकिन इसमें जो आपके पीजीटी के सिलेबस में, जो आपका सिलेबस है, उसमें जो मेजर मेजर फाइलम हैं वो लगभग 9 फाइलम हैं आपके। इसमें आपका हो जाता है 9 फाइलम, जैसे आपका फाइलम प्रोटोजोआ हो गया, फाइलम पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, प्लेटी हेलमिंथ हो गया, एसके हेलमिंथ हो गया, उसके बाद आपका एनिलिडा हो गया, आर्थोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, एंड लास्ट इज इकाइनोडर्मेटा। हेमिकॉर्डेटा को भी आपके नॉन कॉर्डेटा का ही पार्ट माना जाता है। इसमें आपका जो सबसे एनिमल किंगडम में जो आपका सबसे बड़ा फाइलम है वो आपका आर्थ्रोपोडा होता है। इसमें लगभग 9 लाख स्पीसीज आपके आती हैं। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आपका होता है वो मोलस्का होता है, उसमें भी आपके लगभग 90 हज़ार स्पीसीज, 80 हज़ार स्पीसीज आपकी आती हैं। उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट जो आपका फाइलम होता है वो फाइलम प्रोटोजोआ होता है, जो कि आपके नॉन कॉर्डेटा का सबसे पहला फाइलम होता है, क्योंकि यहाँ के जो एनिमल्स थे वो बहुत प्रिमिटिव थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसको नॉन कॉर्डेटा में पहले फाइलम प्रोटोजोआ को। आइए हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ का स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हम लोग उसका जानते हैं जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर में हम लोग उसके कुछ मतलब बेसिक्स जो होते हैं उनको भी जानेंगे। जैसे कि आपका पहले हमने अभी 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 हमने बताया आपको कि थर्ड लार्जेस्ट फाइलम होता है फाइलम प्रोटोजोआ आपका, क्योंकि इसमें जो आपके टोटल होते हैं लगभग 50 हज़ार स्पीसीज आपके आते हैं इसमें। और उसके बाद जो प्रोटोजोआ का मतलब ही आपका फर्स्ट एनिमल होता है, एनिमल किंगडम में यहाँ से स्टार्ट ही हुआ था। तो आपका प्रोटोजोआ का मतलब ही, प्रोटो मतलब फर्स्ट होता है, जोआ मतलब एनिमल होता है, एक किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर होता है। और इसकी जो स्टडी होती है उसको हम प्रोटोजूलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ऐसे आपका ऐसे फाइलम प्रोटोजोआ की स्टडी को प्रोटोजूलॉजी बोलते हैं, ऐसे पोरीफेरा की स्टडी को पैराजूलॉजी बोलते हैं, हेलमिंथ्स की स्टडी को हेलमिंथोलॉजी बोलते हैं, और एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की स्टडी को हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। हर्पेटोलॉजी भी आपका एक क्वेश्चन है, पीजीटी में भी पूछा गया था। ये स्टडीज आपकी जो होती हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके जो एनिमल्स होते हैं वो आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। उसके बाद आपका पेलिकल इसमें प्रेजेंट होता है। पेलिकल जो होता है आपका एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि आउटर बॉडी पर प्रेजेंट होती है। ये प्रिमिटिव एनिमल है, इसलिए इनके ऊपर पेलिकल प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपका जो एनिमल्स होते हैं वो मोनोमॉर्फिक या डाईमॉर्फिक न्यूक्लिया प्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जो स्मॉल न्यूक्लियस होते हैं उन्हें हम माइक्रो न्यूक्लियस, और जो लार्ज न्यूक्लियस होते हैं उन्हें हम मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। इसका मतलब डाईमॉर्फिक न्यूक्लिया ही होते हैं वो। उसके बाद इनमें जो लोकोमोशन होता है वो चार तरीके से भी हो सकता है, स्यूडोपोडिया से भी होता है, फ्लैजला से भी हो सकता है, सीलिया से भी हो सकता है, मायोनेम से। स्यूडोपोडिया जो आपका होता है, स्यूडो मतलब फॉल्स होता है, पोडिया मतलब फीट होता है। तो स्यूडोपोडिया जो होता है एक इनके साइटोप्लाज्म के द्वारा एक मतलब उभार टाइप का डेवलप हो जाता है इनके मूवमेंट के लिए, उसी को हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, कि फॉल्स फीट होता है इनका। फ्लैजला से भी होता है, सीलिया से भी होता है, सीलिया से आपके पैरामीशियम में होता है, फ्लैजला से आपके युग्लिना में होता है। नेक्स्ट आपका मायोनेम्स, मायोनेम्स जो होता है एक कॉन्ट्रैक्टिंग स्ट्रक्चर होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन में इनका इनको मदद करता है, जिससे इनका मूवमेंट आगे की तरफ होता है। मायोनेम्स हो गया आपका। उसके बाद हम इनके न्यूट्रिशन को देखते हैं। न्यूट्रिशन जो इनका होता है होलोफिटिक होता है। होलोफिटिक जो न्यूट्रिशन होता है सेम एज प्लांट लाइक होता है, प्लांट के तरीके से यह मूवमेंट या न्यूट्रिशन जो होता है प्लांट के तरीके से होता है इनको, इसको ऑटोट्रॉफिक भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन भी हो सकता है, जो कि एनिमल के तरीके से होता है, इसे हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें सैप्रोफिटिक होता है, मतलब जो डेड एंड डिकम्पोज मैटर्स होते हैं इनको कंज्यूम करते हैं, उन्हें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद आपका होता है सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उन्हें जो
एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें हम सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन में करते हैं, उसके बाद पैरासाइट के फॉर्म में जो होते हैं उन्हें हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इनके न्यूट्रिशन में क्या क्या है, इनका होलोफिटिक न्यूट्रिशन होता है प्लांट के तरीके से सेम होता है, इनका होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जो एनिमल के तरीके से होता है, इनका सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है जो कि हम बोल सकते हैं कि डेड एंड डिकम्पोज जो मैटर्स होते हैं उनको जो कंज्यूम करते हैं उन्हें सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसके बाद आपका सेप्रोजोइक आता है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं उनको जो एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें बोलते हैं, उसके बाद पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ का एक ऐसा क्लास ही है और जो पूरा पैरासाइट होता ही है। तो इसमें आपका न्यूट्रिशन हो गया, इनकी जो मेटाबॉलिक फिजियोलॉजी होती है वो सारी इनके प्रोटोप्लाज्म के अंदर में ही होती है क्योंकि इनका प्रोटोप्लाज्म ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनका होता है बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, बाइनरी फिजन और उसके बाद मल्टीपल फिजन के थ्रू होता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल जो होती है दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करती है, और मल्टीपल फिजन जो होता है मोर देन टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। सेक्सुअल फिजन जो होता है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। तो इतना जो पार्ट है ये जनरल कैरेक्टर का है। इनके जनरल कैरेक्टर में हम लोग क्या क्या देखे हैं आइए फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारा था थर्ड लार्जेस्ट फाइलम होता है प्रोटोजोआ, पहला आपका इसको याद रखना है आर्थ्रोपोडा होता है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आपका मोलस्का होता है, एंड थर्ड लार्जेस्ट फाइलम आपका फाइलम प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ का जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम फर्स्ट एनिमल वैसे ही बोलते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा का मेम्बर है, स्टडी इनकी प्रोटोजोलॉजी बोला जाता है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स हैं, और पेलिकल इनमें प्रेजेंट होता है जो कि आउटर कवरिंग होती है, मोनोमार्फिक या डाईमार्फिक दोनों न्यूक्लिया इनमें प्रेजेंट हो सकते हैं, लोकोमोशन इनका स्यूडोपोडिया से भी हो सकता है, फ्लैजला से भी हो सकता है, सीलिया से भी हो सकता है, मायोनेम्स के थ्रू भी हो सकता है। स्यूडोपोडिया हम लोग बताए एक फॉल्स फीट डेवलप होता है इनके लोकोमोशन के लिए, मायोनेम्स जो होता है कॉन्टेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवमेंट में मदद करता है। न्यूट्रिशन हम लोग देखते हैं होलोफिटिक होता है, होलोफिटिक सेम एज प्लांट लाइक होता है, ऐसे वो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं, सेम ऐसे होता है इनमें भी। होलोजोइक हो सकता है जो कि एनिमल के तरीके से होता है, किसी दूसरे पे डिपेंड हो सकते हैं। सेप्रोफिटिक होता है जो कि डेड एंड डिकम्पोज मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वो ऐसे हो सकता है। सेप्रोजोइक हो सकता है जो कि ऑर्गेनिक मैटर को जो कंज्यूम कर लेते हैं उसको वैसे हो सकता है। पैरासाइट के फॉर्म में जो होते हैं इनका न्यूट्रिशन होलोफिटिक होलोजोइक सेप्रोफिटिक सेप्रोजोइक पैरासाइट इतने फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद इनकी जो मेटाबॉलिक फिजियोलॉजी होती है वो सब प्रोटोप्लाज्म ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण प्रोटोप्लाज्म के अंदर में ही हो जाती है। रिप्रोडक्शन जो इनका होता है एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल जो होता है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है, सेक्सुअल जो होता है उनका वो कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। तो आपके जनरल कैरेक्टर्स में इतने जो कि बेसिक पॉइंट्स हैं, और सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन इतने जो हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चंस भी आ सकता है आपका कि इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं प्रोटोजोअन्स की स्टडी, उसके बाद फिर थर्ड लार्जेस्ट फाइलम होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, मायोनेम्स के बारे में पूछ सकता है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ऐसे ऐसे मतलब यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को जो पढ़ना है फाइलम प्रोटोजोआ में वो पढ़ना है इनका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इनका जो होता है, जैसे आप किसी भी फाइलम को पढ़ेंगे तो उसमें क्लासिफिकेशन में सबसे पहले पूछा जाता है किस बेस पे उनका क्लासिफिकेशन किया गया और किस साइंटिस्ट ने किया गया, किस साइंटिस्ट ने किया है। तो इनका जो बेस है क्लासिफिकेशन करने का वो है आपका लोकोमोटरी ऑर्गेनेल। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल के बेस पे इनको क्लासिफाइड किया गया है, और फाइलम प्रोटोजोआ को क्लासिफाइड किया है जिन्होंने, उनका नाम है होनिंगबर्ग और उनके साथियों ने मिलकर इसको क्लासिफाई किया गया है। होनिंगबर्ग और उनके साथी मिलकर 1964 में इसको क्लासिफाई किए हैं, और इनके द्वारा इसको चार सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। टोटल चार सब फाइलम में होनिंगबर्ग और उनके साथियों के द्वारा इसको डिवाइड किया गया है। इसमें आपका पहला हो जाता है सार्कोमेस्टिगोफोरा, नेक्स्ट आपका हो जाता है स्पोरोजोआ, एंड नेक्स्ट आपका हो जाता है नीडोस्पोरा, एंड लास्ट इज सीलियोफोरा। चार सब फाइलम है आपके सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा एंड लास्ट इज सीलियोफोरा। तो आइए हम लोग पहले सब फाइलम को पढ़ते हैं, जिसमें आपका होता है सब फाइलम फर्स्ट सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरम इसमें हम लोग एक एक सब फाइलम में ये देखेंगे कि इनका मोड ऑफ लोकोमोशन कैसे होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कैसे होता है, और इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा में जो मोड ऑफ लोकोमोशन आपका होता है वो स्यूडोपोडिया के थ्रू भी हो सकता है आपका, फ्लैजला के थ्रू भी, मतलब यहाँ पर स्यूडोपोडिया भी होता है और फ्लैजला भी होता है, इन दोनों के थ्रू यहाँ पर आपका जो होता है वो मूवमेंट हो सकता है, लोकोमोशन हो सकता है। नेक्स्ट आपका जो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कैसा होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होलोफिटिक भी होता है, होलोफिटिक लाइक एज प्लांट,
प्लांट लाइक न्यूट्रिशन जो होता है होलोफिटिक भी आपका हो सकता है, और नेक्स्ट आपका होलोजोइक भी हो सकता है जो कि एनिमल तरीके का भी न्यूट्रिशन इनमें हो सकता है। दोनों तरीके का न्यूट्रिशन इनमें लोकोमोशन आपका सीडोपोडिया से भी होता है, फ्लैजला से भी होता है, न्यूट्रिशन भी आपका होलोफिटिक और होलोजोइक दोनों होता है। नेक्स्ट आपको सार्कोमास्टिगोफोरा इज आल्सो डिवाइडेड इंटू 3 सुपर क्लासेस। सार्कोमास्टिगोफोरा को फिर से 3 सुपर क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें आपका मास्टिगोफोरा, ओपालिनेटा एंड सार्कोडीना 3 सुपर क्लास होते हैं। इनमें भी हम लोग देख लेते हैं किसमें किसमें, दो ही तो आपके लोकोमोटरी ऑर्गेनल इनमें होते हैं, इनके थ्रू यहाँ पर मूवमेंट होता है, तो इनमें हम लोग देख लेते हैं तीनों में कौन कौन से होते हैं। मास्टिगोफोरा में आपके फ्लैजला के द्वारा होता है, जिसका एग्जाम्पल आपका युगलिना और वॉल्वॉक्स होते हैं। युगलिना और वॉल्वॉक्स में आपका जो मूवमेंट होता है वो फ्लैजला के थ्रू होता है। मास्टिगोफोरा सुपर क्लास के मेंबर होते हैं जो कि सब फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा का है। नेक्स्ट आपका ओपालिनेटा होते हैं, ओपालिनेटा जो कि एक पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। इनमें जो मूवमेंट होता है, इनका जो लोकोमोशन होता है वो सीलिया लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू होता है। इसका जो एग्जाम्पल है ओपालिना, एक पैरासाइट होता है आपका। उसके बाद आपका लास्ट है सार्कोडीना। सार्कोडीना में आपका जो मूवमेंट होता है वो सीडोपोडिया के थ्रू होता है, और इसका जो आपका एग्जाम्पल है अमीबा और एंटामीबा दोनों जो होते हैं वो सार्कोडीना के मेंबर हैं। सार्कोडीना आपका सुपर क्लास किसका है, सब फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा का है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि अमीबा किस सुपर क्लास का मेंबर है या फिर किस सब फाइलम का मेंबर है, यहाँ से क्वेश्चन घुमा के पीजीटी में ऐसे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को जो पढ़ना है वो सब फाइलम स्पोरोजोआ के बारे में पढ़ना है, जो कि सेकंड सब फाइलम है। इसमें जो आपका मोड ऑफ लोकोमोशन होता है वो अब्सेंट होता है, क्योंकि ये पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। टोटल आपका जो सब फाइलम है टोटल आपका पैरासाइट होते ही हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फाइलम प्रोटोजोआ का ऐसा कौन सा सब फाइलम होता है जहाँ के मेंबर्स जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। तो सब फाइलम स्पोरोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं वो आपके पैरासाइट होते हैं। इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है पैरासिटिक होता है, होस्ट की बॉडी पर डिपेंड होते हैं, जिनमें आपका एग्जाम्पल जो होता है मोनोसिस्टिस और प्लाज्मोडियम। मोनोसिस्टिस जो होती है वो भी पैरासाइट होती है, प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो भी पैरासाइट होते हैं। तो ये आपका जो सब फाइलम है ये टोटली आपका पैरासाइट है। नेक्स्ट हम लोगों को जो थर्ड पढ़ना है उस सब फाइलम नेडोस्पोरा के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर जो भी होते हैं ए भी आल आर पैरासाइट होते हैं। देखिए सेकेंड आपका दो सब फाइलम आपके ऐसे होते हैं जो दो के दोनों पैरासाइट होते हैं। तो फाइलम प्रोटोजोआ बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि दोनों कौन से फाइलम है, इसको मतलब स्पोरोजोआ एंड नेडोस्पोरा करके भी क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं कि दोनों फाइलम जो हैं वो आपके पैरासाइट होते हैं कि नहीं होते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो आपका नोसेमा, नोसेमा भी आपका पैरासाइट होता है। तो सब फाइलम स्पोरोजोआ एंड सब फाइलम नेडोस्पोरा आपके जो होते हैं ये पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को जो फोर्थ सब फाइलम के बारे में पढ़ना है वो है हमारा सब फाइलम सीलियोफोरा। सीलियोफोरा से ही आपका जो है जो मोड ऑफ लोकोमोशन होता है वो आपका यहीं से ही पता चल जा रहा है, सीलिया, सीलिया के थ्रू होता है। तो इनका मोड ऑफ लोकोमोशन जो होता है वो सीलिया के थ्रू होता है, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इनका होता है होलोजोइक होता है। होलोजोइक का मतलब हो गया एनिमल लाइक जो होता है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और डाइमॉर्फिक न्यूक्लिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ पर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियस को हम लोग माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं और लार्ज न्यूक्लियस को हम लोग माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपका पैरामीशियम होता है, हमने पहले भी बताया था कि पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं आपके, और वर्टिसेला भी होता है इसका एग्जांपल। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। हम इसको रिवाइज कर देते हैं। जनरल कैरेक्टर में हम लोगों ने देखा थर्ड लार्जेस्ट फाइलम होता है, इसमें लगभग 50,000 स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं। प्रोटोजोआ मीन्स फर्स्ट एनिमल होता है, किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है, स्टडीज की प्रोटोजोलॉजी हम लोग कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, पेलिकल इनमें प्रेजेंट होता है, पेलिकल जो होती है वो आउटर कवरिंग होती है। मोनोमार्फिक है, डाइमार्फिक न्यूक्लिया, एक न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो सकते हैं। लोकोमोशन इनका स्यूडोपोडिया से भी होता है, फ्लैजला से भी होता है, सीलिया से भी, मायोनेम्स होता है। मायोनेम्स आपका कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन में आपका मदद करता है। नेक्स्ट हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने देखा होलोफिटिक जो कि प्लांट लाइक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक होता है जो कि एनिमल लाइक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, सैप्रोफिटिक होता है, इनका जो डेड एंड डिकम्पोज मैटर होते हैं उनको लोग ऑब्जर्व करके खाते हैं उसको सैप्रोफिटिक बोलते हैं, सैप्रोजोइक होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर को जो कंज्यूम करते हैं उनको सैप्रोजोइक बोलते हैं। नेक्स्ट आपका पैरासिटिक जो पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं, इनमें जो आल मेटाबॉलिक फिजियोलॉजी होती है इनके प्रोटोप्लाज्म ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही हो जाती है।
रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों होता है। ए सेक्सुअल बाइनरी फिजन मल्टी फिजन के थ्रू होता है, सेक्सुअल आपका कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। फिर हम लोगों ने इनके क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, क्लासिफिकेशन इनका लोकोमोटरी ऑर्गेनल के थ्रू हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इनका फाइलम प्रोटोजोआ जो है वो होनिंगबर्ग साइंटिस्ट और उनके जो को साइंटिस्ट थे उनके थ्रू इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें आपका चार सब फाइलम में इनको डिवाइड किया गया। इसमें सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा में इनको डिवाइड किया गया है। हम लोगों ने सार्कोमेस्टिगोफोरा के बारे में पढ़ा, इसमें जो मोड ऑफ लोकोमोशन आपका होता है सीडोपोडिया एंड फ्लैजेला के थ्रू होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है होलोफिटिक एंड होलोजोइक होता है। सार्कोमेस्टिगोफोरा को फिर से डिवाइड किया गया तीन सुपर क्लास में, इसमें आपका मेस्टिगोफोरा ओपालिनेटा एंड सार्कोडीना हो गया। मेस्टिगोफोरा में जो मोड ऑफ लोकोमोशन होता है फ्लैजेला के थ्रू होता है, ओपालिनेटा में जो होता है सीलिया एंड लाइफ प्रोजेक्शन के थ्रू होता है, सार्कोडीना में आपका सीडोपोडिया के थ्रू होता है। नेक्स्ट आपका सब फाइलम स्पोरोजोआ है जो कि पूरी तरीके से पैरासाइट ही होते हैं, इनमें मोड ऑफ लोकोमोशन अब्सेंट ही होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक होता है। और उसका आपका नेक्स्ट फाइलम जो सब फाइलम आपका है नीडोस्पोरा, इसमें भी आलआर पैरासिटिक होते हैं। नेक्स्ट आपका सब फाइलम सीलियोफोरा, इसमें सीलिया के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें मोड ऑफ लोकोमोशन सीलिया के थ्रू होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय होलोजोइक होता है यानी कि एनिमल लाइक होता है। डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम और वर्टिसेला होता है। तो आई होप आप लोगों को फाइलम प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी टाइप स्टडी स्टार्ट करेंगे, इसमें आपको दो तीन एनिमल के बारे में टाइप स्टडी करनी है, जैसे आपका हो गया एंटमीबा के बारे में टाइप स्टडी करनी है, पैरामीशियम के बारे में करनी है, यूक्लिना के बारे में करनी है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।